संकट झेल रहा पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए आईएमएफ का दरवाजा खटखटाएगा। कई दिनों की हिचकिचाहट के बाद पाक के प्रधानमंत्री ने आईएमएफ से बेलआउट पैकेज लेने के फैसले पर मोहर लगा दी है। ये फैसला इमरान खान ने ही लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान आईएमएफ नहीं जाना चाहते थे, खराब अर्थव्यवस्था को देखते हुए फैसला लिया है। पाकिस्तान के पीएम बनने के बाद से ही पाक की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था इमरान खान के लिए चुनौती बनी हुई थी। पाकिस्तान पिछले चार दशक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के पास अपना खर्च चलाने के लिए अधिकतम 2 महीने की राशि बची हुई है। अगर तुरंत ही हालात पर काबू नहीं पाया गया तो देश में आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। पाक का बजट घाटा 1990 के बराबर पहुंच गया है, जब देश दिवालिया होने के करीब था। व्यापार घाटा भी बेहिसाब हो चुका है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद आईएमएफ पर जाकर टिक गई है। लेकिन मुसीबत ये है कि आईएमएफ भी अब पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। दरअसल पिछले 3 दशकों में जब जब पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजरा है, तब तब आईएमएफ ने बढ़कर उसकी मदद की है। लेकिन अब अमेरिका की पाबंदी के चलते आईएमएफ भी ज्यादा रुचि नहीं ले रहा। वहीं पाकिस्तान चीन के $50 बिलियन के कर्ज तले भी दबा है। पाक को उम्मीद है कि चीन उसकी आगे भी मदद करेगा। वहीं आतंक को लेकर पाक की ढुलमुल नीति के बाद अमेरिका भी उसे ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हालात और खराब हो जाएंगे और पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए तरस सकता है।